बाद में बैठा हुआ था और मेरे माइंड में एकदम से स्ट्राइक किया। अब स्ट्राइक कैसे किया, एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, सर आई एम टेकिंग योर क्लासेस एंड आई एम बीइंग कॉन्फिडेंट डे बाय डे एंड आई विल डेफिनेटली कम टू मीट यू एंड आई विल गो टू एनडी। जैसे उसने बात, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, स्वागत है सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई विल गो टू एनडीए, मैं एनडीए जाऊंगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी। बहुत सारे स्टूडेंट्स सपना देखते हैं एनडीए जाने का और उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत भी करते हैं, कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और कुछ सफल होते हैं और कुछ सफल नहीं होते। अगर बात की जाए, 8 से 9 हज़ार बच्चे ही रिटर्न क्वालिफाई करते हैं और फाइनल सिलेक्शन मात्र 400 बच्चों का होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको किसी एग्जाम को क्रैक करना है तो उस एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला कंटेंट आपके माइंड में फिट होना चाहिए। मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा हडल है एनडीए के एग्जाम क्लियर करने के लिए और मैथमेटिक्स को आपको पकड़ में लाने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आज मैं बैठा हुआ था और मेरे माइंड में एकदम से स्ट्राइक किया। अब स्ट्राइक कैसे किया, एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, सर आई एम टेकिंग योर क्लासेस एंड आई एम बीइंग कॉन्फिडेंट डे बाय डे एंड आई विल डेफिनेटली कम टू मीट यू एंड आई विल गो टू एनडीए। जैसे उसने बात बोली, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि क्यों ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया जाए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। आई विल गो टू एनडीए में से 6 letters words देखते हैं कितने बनेंगे। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट से भरपूर क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपने जरूर मेरी क्लासेस में करा होगा, लेकिन मैंने थोड़े से क्वेश्चन में और मसाला डाल दिया है। मतलब क्वेश्चन के अंदर जो मैंने लेटर्स यूज करने हैं जहां से, वो मैंने काफी ज्यादा ले ली है। आई विल गो टू एनडीए के अंदर टोटल 5 to 7 to 9 12 letters है जिसमें कुछ अलाइक है। तो अगर अलाइक लेटर्स हैं और आपको 6 letter word बनाना है तो एनसीआर एनपीआर डायरेक्ट नहीं लगता, वो फेल हो जाता है। एनसीआर और एनपीआर का काम होता है जब सारी चीजें डिफरेंट हो तभी उनका यूज कर पाते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो 6 letter word बनाना है आपने इन लेटर्स की हेल्प से। तो देखा जाए तो इसमें देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले 2 तो आई है, अलाइक लेटर्स को मैं पहले लिख रहा हूं, 2 एल है, ओ भी आ रहा है 2 बार। फिर देखते हैं कौन से यूज कर लिए, आई आई डबल एल ओ ओ, क्या बचा, डब्ल्यू जी टी एन डी और ए। तो वी हैव टोटल 6 letters जिसके अंदर 2 alike है, एक जैसे 2 alike है, 2 O है, 2 L है, 2 I है, बाकी कुछ डिफरेंट है। तो अगर आपको 6 letter word बनाना है तो वराइटी ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं, ऐसे वर्ड्स जिसमें सारे लेटर डिफरेंट हो, ऐसे वर्ड जिसमें कुछ अलाइक हो कुछ अलाइक ना हो। तो हर टाइप के केस को आपने चूज करना होता है और फिर वर्ड्स को बनाना होता है। तो जैसे अगर मैं केस की बात करूं, केस 1, समझना, अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करेंगे। याद रखिए एनपीआर का जो फॉर्मूला होता है वो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर एनपीआर डायरेक्ट कभी नहीं लगता, मैं तो एनपीआर को कभी डायरेक्ट यूज करवाता ही नहीं हूं। हमेशा कभी भी एन में से आर चीजों को अरेंज करना हो तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना चाहिए, उसके बाद ही उसका फैक्टोरियल करके अरेंजमेंट करनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले पता लगाना होगा कि जिन लेटर्स की हेल्प से आप 6 letter word बना रहे हो उसमें सिलेक्शन कितने प्रकार से हो सकती है, उसके बाद हम अरेंज करेंगे। तो पहला केस है जब सारे के सारे डिफरेंट लेटर की हेल्प से मैं 6 letter word बनाऊंगा। तो लेट मी टेल यू द नंबर ऑफ डिफरेंट लेटर्स वी हैव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वी हैव 9 different letters। तो इन 9 different letters से आप कितने वर्ड्स बनाएंगे 6 letter के, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 9 में से 6 letter को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इनटू में क्या करना पड़ेगा, 6 factorial, क्योंकि सिर्फ सिलेक्शन नहीं करना। अगर एक क्वेश्चन होता कि इस आई विल गो टू एनडीए में से सिर्फ 6 letter सिलेक्ट करके बताओ कितने तरीके होंगे सिलेक्ट करने के, तो आंसर 9 से 6 होता। तो यहां पे इनटू में 6 factorial का मतलब है कि आपने जो 6 letter आपने सिलेक्ट करे हैं उनको अरेंज भी कर रहे हैं। तो 9 से 6 into 6 factorial से हमें नंबर ऑफ वर्ड्स मिल गए, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स मिल गए हमें जिसके अंदर सारे लेटर डिफरेंट होंगे, और कितने मिल गए, 9 से 6 को सॉल्व करेंगे और इंटू 6 factorial करेंगे तो आंसर आएगा। ये मैं आप पे छोड़ूंगा, ये आप कर लीजिएगा। केस 2, 2 letters alike and 2 different, 2 alike and 2 different, अब सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे 2 alike letters। 2 alike letters में कितने केस बन सकते हैं, 2 alike letter को लेने के कितने तरीके बन सकते हैं, या तो 2 I ले लूं, या 2 L ले लूं, या 2 O ले लूं, राइट। तो देयर आर 3 ways टू सिलेक्ट 2 alike letters आउट ऑफ दीज अलाइक लेटर्स। तो हमने 2 letters सिलेक्ट कर लिए, या कह सकते हो 3 ग्रुप थे उनमें से 1 ग्रुप सिलेक्ट कर दिया, 3C1 कह सकता था मैं यहां पे।
तो यहां तो दो आई आ जाएंगे या दो एल आ जाएंगे या दो ओ आ जाएंगे। अब हमारे पास रह गए चार लेटर सेलेक्ट करने, क्योंकि छह लेटर वर्ड बनाना है और हम दो लेटर सेलेक्ट कर चुके हैं। अब हमारे पास टोटल लेटर जो थे नाइन थे डिफरेंट, एक लेटर यहां यूज हो गया होगा, मान लो दो आई आ गए होंगे तो आई तो गया ना, मान लो आई ज्यूम करते हैं आई आ गया, तो ये टोटल एट लेटर्स बच गए। तो इन एट में से आप फोर को सिलेक्ट करेंगे, ये आपका सिलेक्शन हो गया, ये आपके सिलेक्शन हो गया। अब इनको अरेंज करके आपको वर्ड्स बनाना है, हाउ मेनी वर्ड्स बनाने हैं, तो आप इनको अरेंज करेंगे एंड व्हेन यू विल अरेंज देम यू नो टू आर अलाइक, तो बाय टू फैक्टोरियल विल बी देयर। केस थ्री, ऐसा भी तो हो सकता है टू अलाइक ऑफ वन काइंड, टू अलाइक ऑफ अनदर काइंड, टू अलाइक एंड टू डिफरेंट, दो एक जैसे, मतलब चार लेटर तो ऐसे हैं जिसमें दो एक जैसे हैं। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। डबल आई के साथ डबल एल आ सकता है, डबल एल के साथ डबल ओ आ सकता है, और डबल आई के साथ डबल ओ आ सकता है। तो तीन तरीके तो हो गए उन चार लेटर को सिलेक्ट करने के। अब रह गए दो लेटर, टोटल नाइन लेटर से दो लेटर यूज हो चुके हैं और चार लेटर आ चुके हैं, बचे दो लेटर कहां से लेंगे, सेवन में से। अब आपके पास आ चुके हैं सिक्स लेटर, अब इनको अरेंज करना है, तो अरेंज करना है तो सिक्स फैक्टोरियल, और जब अरेंज करेंगे तो दो एक जैसे हैं और दो एक जैसे हैं, तो टू फैक्टोरियल इंटू में टू फैक्टोरियल, राइट। केस फोर, टू अलाइक ऑफ वन काइंड, टू अलाइक ऑफ अनदर काइंड, टू अलाइक ऑफ थर्ड काइंड, मतलब डबल आई डबल एल डबल ओ, ये तीनों ले लो, आई आई एल एल और ओ ओ, एक ही तरीका होगा। जब आपको पता है इसी को उठाना है, इसी को उठाना है और इसी को उठाना है, ये छह के छह को उठाना है, तो एक ही तरीका हुआ। अब इनको अरेंज करो, जब अरेंज करेंगे तो दो एक जैसे। एनी अदर केस, आपको लग रहा है सारे डिफरेंट का ले लिया, दो आई दो डिफरेंट, दो अलाइक दो डिफरेंट, दो अलाइक दो लाइक दो डिफरेंट, एंड टू अलाइक, एवरी केस आई कवर्ड। नाउ मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या रहा है। इन सारे केसेस को सॉल्व करने के बाद ऐड करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आएगा, और बताइए लिखिए साथ में आई विल गो टू एनडीए, ठीक है। और इसी तरह की वीडियोस मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों के पास पहुंचे, जिसमें अच्छे कॉन्सेप्ट छुपे हैं, लेवल ऑफ थिंकिंग छुपा है, ठीक है ना। इफ यू वॉन्ट टू गो टू एनडीए, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड फॉलो मी। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो कर रहे हैं एनडीए सीडीएस और जेई की प्रिपरेशन, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आता हूं आप लोगों के साथ एक बढ़िया सा कंटेंट लेके, ठीक है ना। आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।